नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ऑनलाइन मनाया गया क्रिसमस का पर्व, जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए किया प्रेरित। विदेश में सिलिकॉन वैली में भी क्रिसमस पर्व की मनाई गई खुशियां। समृद्ध किसान देश की शान विषय पर नागपुर में ऑनलाइन वेबिनार, देश के अन्य कई हिस्सों में भी आयोजन। इंदौर के ज्ञान शिखर में रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर दिया महादान। और आखिर में बाली के देन पसार में ब्रह्मा कुमारी के पीस हाउस सेंटर में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए हुआ भूमि पूजन, विदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भेजा शुभकामना संदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में क्रिसमस का पर्व ऑनलाइन मनाया गया, जिसे दुनिया भर के लोगों ने देखा। इस अवसर पर डायमंड हॉल के स्टेज पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए क्रिसमस का पर्व ऑनलाइन मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आध्यात्मिक रहस्यों के साथ ही यह पर्व मनाना चाहिए। आज सबके लिए हैप्पी का, खुशी का दिन है, क्योंकि क्रिसमस डे मनाते हैं जब उनको कोई विशेष प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी क्रिसमस की बधाई दी तथा जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित किया। चाहे हम दिवाली मनाते हैं, चाहे हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम सब का बुद्धि योग उस पिता परमात्मा के साथ सहज रीति से लग जाता है। तो आप सबको फिर से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहता है कि सारे कल्प वृक्ष के अंदर स्टार्स होते हैं, मुख्य मुख्य धर्म स्थापक आदि आत्माएं होती हैं, तो उन्होंने क्रिसमस ट्री के अंदर भी आत्माओं के स्टार्स लगा दिए हैं और गिफ्ट लगा दिए हैं। बाबा कहते हैं मैं हथेली पर भिष्ट लाया हूँ, और वो इस तरह से कहते हैं। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ केक कटिंग कर बधाई दी गई, साथ ही सेंटा क्लॉस ने बच्चों के साथ खुशियां बांटी और मिठाइयां खिलाई। इस वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कई राज्यों में ऑनलाइन एवं सेवा केंद्रों पर किसानों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और किसानों की महत्ता को उजागर करने व शाश्वत योग्य खेती की जानकारी देने के उद्देश्य से उन्हें प्रेरित किया गया। बात करें महाराष्ट्र की, तो ब्रह्मा कुमारीज नागपुर तथा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा समृद्ध किसान देश की शान। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, रुचि एग्रो फार्म गोंदिया के निदेशक बीके महेंद्र ठाकुर, क्षेत्रीय जैविक खेती के साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर वी पांडे, ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति एवं नागपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके रजनी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैविक खेती के नाम पे पिछले 10-15 सालों से बड़ी बड़ी बातें हो रही, लेकिन जब बजट देने का टाइम आता है, बजट के समय में जैविक खेती के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है। पूरा का पूरा रासायनिक खाद दवाई के लिए पैसा फंड चले जाते हैं। जैविक खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने खेत की मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सतत उत्पादन ले सकते हैं, और चाहे वो ऋषि कृषि हो, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे वो बायोडायनेमिक खेती हो, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे जीरो बजट फार्मिंग हो, चाहे किसी नाम से भी आप बुलाएं, वह सब जैविक खेती का ही प्रारूप है।
कार्बनिक कंटेंट अगर कम हो गया है तो हम खेती नहीं कर पाते हैं, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। और कार्बन को फिर से जमीन में डालने का सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमारी है जैविक खेती, यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती। किसानों की समृद्धि में समग्र देश की समृद्धि समाई है। फिर से अगर उस किसानों को, उस भारतवासियों को समृद्ध बनाना है तो उसकी यही विधि जो हमारी परंपरागत कृषि संस्कृति में थी वो हमें अपनानी ही पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा मुस्कुराए किसान मुस्कुराए भारत थीम पर किसानों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। किसानों के सम्मान के लिए पतंजलि के केंद्रीय प्रभारी व छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, बिलासपुर के कृषि सहायक संचालक अनिल कौशिक व स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने ऑनलाइन वेबिनार में अपनी शुभकामनाएं दी। आज हमारे किसान को जरूरत है कि आज उनको जैविक खेती अपनाते हुए कुछ ऐसा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी लाए जिससे हम लोग क्वालिटी फूड की ओर बढ़ सकें। हर किसान, गरीब, मजदूरों के लिए हम प्रसन्नता के कुछ ऐसे उपहार प्रस्तुत कर सकें जो उनके जीवन में समृद्धि लाए और उनके जीवन की समृद्धि हमारी समृद्धि को का एक भाग बन करके हमें आनंदित करे। धमतरी में यौगिक जैविक कृषि करने वाले किसानों का सम्मान सेवा केंद्र पर हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष उन किसानों का सम्मान किया गया जो पूर्ण रूप से शाश्वत यौगिक जैविक कृषि करते हैं और अपने खेत पर किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं तथा शुद्ध और सात्विक अन्न का उत्पादन करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्षा कांति सोनवानी, जनपद पंचायत कुरूद की अध्यक्षा शारदा साहू, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के प्रांतीय संयोजक लीलाराम साहू, जिला पंचायत के सदस्य तारिणी चंद्राकर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने अपनी शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मंडला में भी अन्नदाताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, कृषि विभाग के सहायक संचालक अमित पांडे, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी राजेश मेसराम एवं समस्त स्टाफ तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता समेत मंडला जिले के विभिन्न गांवों से किसान भाई बहन उपस्थित थे। अब खबर पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार की है जहां आयोजित एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संपा ने उनसे मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की और सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इंदौर के ज्ञान शिखर स्थित ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी सभागृह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर से MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर साधना सोडानी, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जोशी, MY हॉस्पिटल ब्लड बैंक के मैनेजर डॉक्टर अशोक यादव, विनायक नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी की विशेष मौजूदगी रही। शिविर के शुभारंभ पर अपनी शुभाशाएं व्यक्त करते हुए इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने कहा कि रक्तदान महादान है और यह वही कर सकता है जिसके अंदर मानव मात्र के प्रति परोपकार की भावना हो। वहीं अतिथियों ने भी इस आयोजन की प्रशंसा की और अपने विचार साझा किए। रक्त की एक एक बूंद किसी को अगर समय पर मिल जाती है तो उसका जीवन बच जाता है। जो इस ऐसा जीवन बचाने वाला महादान जो रक्तदान है उसको आज हम सभी यहाँ उपस्थित लोग करने जा रहे हैं। उन सबका भी मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि उनके अंदर भी ऐसी आवश्यकता वाली आत्माओं के प्रति रहम, कल्याण की भावना है, तब वो इस कार्य के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कैंप के माध्यम से जो हम रक्त एकत्रित करते हैं वो हम अपने ब्लड बैंक में पूरी तरह से टेस्ट करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, आपके द्वारा दिए गए रक्त की एक एक बूंद का हम हिसाब रखते हैं और एक ये जो रक्त आप दान करते हैं जैसे डीन साहब ने बताया उसके हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं और वो कम से कम 3 लोगों की जान बचाते हैं। ये 5वां साल है जो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ सभी ब्रह्म कुमारी जी को कि हम लोग डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज करते हैं पर आप लोग एक मन का इलाज करते हैं, सभी को शांति प्रदान करते हैं, इससे भी सेहत बढ़ती है। जब भी हम किसी का दान करते हैं ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है,
इससे हमारी प्रसन्नता बढ़ती है, हमारा आनंद बढ़ता है। अगर किसी को भी नेत्र परीक्षण करवाना है तो वो सिर्फ मेरे विनायक नेत्रालय में आए, रिसेप्शन पे सिर्फ ये बताए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कैंप के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं, तो पूरे सप्ताह में कभी भी आना हो आपका पूर्ण नेत्र परीक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क किया जाएगा। इस शिविर में डॉक्टर नितिन अजमेरा एवं ब्लड बैंक MY की टीम ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। वहीं अंत में MY हॉस्पिटल की ओर से BK हेमलता को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। ओडिशा के हरिदा मादा में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित तपस्या धाम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय से पहुंचे वरिष्ठ राजयोगी BK राजू ने अपने कर कमलों से तपस्या धाम का उद्घाटन कर आयोजित समारोह में अपनी शुभाशाएं व्यक्त की। इस उपलक्ष में पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। वहीं इस अवसर पर ओडिशा लोकायुक्त डॉक्टर देवव्रत स्वैन, जयदेव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ए धाली, भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी BK लीना समेत अनेक कई वरिष्ठ BK बहने एवं सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। पंजाब के मोगा स्थित लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में चुनौतीपूर्ण समय में कैसे स्वयं को प्रेरित करें विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित किया नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता BK पीयूष ने। इस दौरान BK पीयूष ने अपने वक्तव्य में दिनचर्या में प्रातःकाल के समय का महत्व बताया। मेडिकल साइंस कहती है कि सवेरे जिस टाइम पर हम उठते हैं, उठने के बाद पहले आधा घंटे को वो लोग कहते हैं गोल्डन आवर ऑफ द डे, वो स्वर्णिम घंटा है। वो एक घंटा कैसे गुजर रहा है वो मेरे सारे दिन को डिसाइड करेगा। तो आज मेरी जिंदगी में मोटिवेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सवेरे उठते ही अपना मोबाइल ऑन कर लिया और व्हाट्सएप में देखा, ओहो इतना सारा कोरोना फैल गया है, इतने सारे लोग मर गए हैं, ओ आज टेम्परेचर इतना कम हो गया है। माने जैसे ही मैंने कोई नेगेटिव न्यूज ली तो मेरी मोटिवेशन हो गई डीमोटिवेशन। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पीस हाउस सेंटर का विस्तार किया जा रहा है, जिसके चलते भूमि पूजन का कार्य रखा गया। इस अवसर पर इंडोनेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की राष्ट्रीय संयोजिका BK जानकी ने विधिवत भूमि पूजन कर अपनी शुभकामनाएं दी। इस खुशी के मौके पर विदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपना शुभकामना भरा संदेश वीडियो के जरिए भेजा। यू हैड सच अ बिग प्लेस बट नाउ दिस विल बी योर ओन प्लेस एंड होपफुली एवरीथिंग विल रन स्मूथली, सो माय बेस्ट विशेस एंड congratulations to all of you. That this foundation stone lays the feeling of real unity and harmony in the family. The main thing I think is to have such a closeness and a love and respect for each other. This is really what glorifies Baba. कैलिफोर्निया में ब्रह्मा कुमारी सिलिकॉन वैली द्वारा क्रिसमस डे के उपलक्ष में प्रीशियस गिफ्ट ऑफ टाइम एंड लव विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को जर्मनी की निदेशिका BK सुदेश ने संबोधित किया और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। That Jesus came and we are celebrating even after 2000 years. The beautiful message is the message of love. The message of compassion. The message of healing the hearts of each other. The message of sacrifice. And it is on one side, it's to see the sacrifice or cross. It's painful, but it was the sacrifice that make Jesus in one way or other immortal. Because it is what was the life given for? It's love for humanity. Chocolates will finish, perfumes will finish, but eternal spirit of hope, love and joy will stay with you even beyond Christmas too.
to next Christmas or next to next. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।